हाय, आप देख रहे हैं बिग बॉस का छोटा रिचार्ज। टेटड़े हम लेकर फिर से हाजिर। बोला था ना आपको कि अब लास्ट के कुछ दिन रह गए, मिस मत करना। तो मिस बिल्कुल मत करो, पूरी बात सुनो। हाइलाइट्स पहले दूंगी 95th डे के बिग बॉस 12 का। अच्छा, तो हाइलाइट्स पहले शुरू होती हैं दीपिका और रोमिल से, कि दीपिका और रोमिल क्या कभी दोस्त नहीं बन सकते। दूसरी बात, दीपक और सोमी की शादी के लिए हलवाई मिल गया है। तीसरी बात ये कि किसके बाप की क्या करने की औकात नहीं है। समझ नहीं आई ना, आ जाएगी। दीपिका ने रोमिल को कभी भी दोस्त बनाने से क्यों इनकार कर दिया। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम टीवी की बड़ी हस्ती, बिग बॉस में हिस्सा लेने आई, तो पिछले सीजन में हिना खान और शिल्पा शिंदे जैसी ही उम्मीद कुछ इनसे भी थी, लेकिन अब तक दीपिका उतनी स्ट्रांग दिखी नहीं है। श्रीसंत उनके एक गेम पार्टनर रहे हैं, दोनों ने साथ में पूरा शो निकाल दिया। बाकियों से दीपिका की नहीं बनती, लेकिन रोमिल वो सदस्य हैं जिससे उनकी बिल्कुल ही नहीं बनती। गुरुवार को घर में एक टास्क हुआ जिसमें रेडियो जॉकी मलिष्का घर वालों से बात करने आई। इस शो में उनके पहले गेस्ट थे रोमिल और दीपिका। यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब जहर उगले। दीपिका ने साफ शब्दों में कहा कि वो शो या शो के बाद भी रोमिल से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहेंगी। जैसा मलिष्का ने कहा कि ये शो कुछ और सिखाए या ना सिखाए, लेकिन मुंह पर बुराई करना और सुनना तो सिखा ही देता है। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात ये कि दीपक और सोमी को शादी के लिए हलवाई मिल गया है। दीपिका और रोमिल के बाद मलिष्का के पास पहुंचे दीपक ठाकुर और सोमी खान। इन दोनों के पर्सनल इक्वेशन काफ़ी सुर्खियों में बने रहे, लेकिन तब क्या हुआ जब इनका सामना डायरेक्ट जनता के सवालों से हुआ। जो हुआ मज़ेदार हुआ। दीपक को उनके बहुत से चाहने वालों ने फ़ोन किया और उन्हें शो जीतने की बधाई दी, लेकिन एक भाई साहब अलग ही चुल्ल में थे। उन्होंने कहा कि अगर सोमी और दीपक शादी करते हैं तो उनकी शादी में खाना बनाने का जिम्मा वो उठाएंगे और पूरे बिहार में हलवा बटवाएंगे, क्योंकि वो पेशे से हलवाई हैं। मतलब अगर दीपक और सोमी का मसला वहाँ तक पहुँच जाता है तो कम से कम उन्हें हलवाई की फिक्र तो नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ तक रही इन दोनों के बीच की बात, तो दीपक ने कहा कि सोमी उन्हें अच्छी लगती थी, क्योंकि सोमी ने कुछ दिन पहले ही दीपक को समझाया था कि इस तरह की चीज़ें वो ना कहा करें। इसके बाद से दीपक अपनी फीलिंग्स दबाकर फ्रेंड जोन हो गए थे। सोमी ने दीपक से अपने संबंधों के बारे में कहा कि दीपक की फीलिंग वो समझती हैं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन वो दीपक को सिर्फ अच्छा दोस्त समझती हैं। अगली बात करणवीर और श्रीसंत की। करणवीर और श्रीसंत की लड़ाई अब इस जन्म में तो ठीक नहीं होगी। क्यों? दीपक और सोमी के निकलने के बाद मलिष्का के रेडियो शो पर पहुंचे श्रीसंत और करणवीर। इन दोनों से यूं तो इनके बीच हो रही लड़ाइयों की बात चलती रही, लेकिन उसी बीच एक ऐसा सेंटेंस एक कॉलर ने याद दिलाया जो कभी श्रीसंत ने करणवीर को कहा था। श्रीसंत जब किसी से लड़ाई करते हैं तो वो भाषा की मर्यादा को भूल ही जाते हैं। वो बस किसी भी तरह से सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं। इस चक्कर में उन्होंने करणवीर को कहा था कि उसके बाप की औकात नहीं है। जब ये बात कॉलर ने पूछी तो श्रीसंत ने पलटी मार दी और उन्होंने ये चीज़ कभी कही नहीं ये कह दिया। रेडियो शो से लौट कर आने के बाद करणवीर इस चीज़ से बहुत अपसेट दिखे। उन्होंने कैमरों की ओर देखकर अपने पापा को सॉरी बोला कि उनके चलते उनके पापा को ये सब चीज़ें सुननी पड़ रही हैं। इसके अफसोस में उन्होंने तय किया कि अगले 8 दिन यानी जब तक वो इस शो में हैं वो श्रीसंत से बात नहीं करेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद श्रीसंत ने करणवीर को बुलाकर सॉरी कहा। श्रीसंत ने कहा कि उन्हें नहीं याद है कि ये लाइन उन्होंने कही या नहीं कही, लेकिन अगर कही है तो उसके लिए सॉरी। करणवीर ने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया। करणवीर ने श्रीसंत की माफ़ी स्वीकार की और बता दिया कि अब इस शो में वो श्रीसंत से बात नहीं करेंगे। तो ये था भाई सारा लेखा जोखा जो आपको हमने बता दिया। अब आप चिपक के हमारे साथ बैठे रहिए, क्योंकि छोटा रिचार्ज आपको सारी अपडेट देता रहेगा आखिर तक, बिग बॉस के विनर जब तक नहीं बन जाता ना तब तक। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, रोज़ लेकर आते हैं हम आपके लिए ललन टॉप का बिग बॉस का छोटा वाला रिचार्ज। डोंट मिस इट एंड पेज लाइक करिए हमारा अगर नहीं किया है अभी तक तो। फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।